कि ये जो गंदी परिवार है ये गंदी परिवार नहीं है, ये सही परिवार है, और इसके अंदर जितने भी गंदी भले घूमते हैं सारे के सारे नकली है। जनता कोई नाराज नहीं है, जो हुड्डा ने वहां पे विकास की तो कोई बात की नहीं, और जात पात में उतर गया, धार्मिक भावना क्या बढ़ता नहीं। जो खान है मैंने अपने ना कि खान है, मैं हिंदू हूँ, तो मैंने अपने अपने पता है हिंदू हूँ, मुझे गर्व है हिंदू होने पर, तो आप पहले हिंदू है तो आपको बोलना चाहिए, कोई मुसलमान है तो उसको बोलना चाहिए कोई मुसलमान है, सिख को सिख, इसमें दिक्कत क्या है। बंदी कहते हैं आपको, मैं कहता हूँ बंदी है लेकिन नकली गांधी। लेकिन ये क्यों लोग कह रहे हैं, जो विपक्षी दल कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार है तो आप अपने विकास के कार्य कीजिए, आप क्यों धर्म जाति की राजनीति कर रहे हैं जब आप विकास के कार्य कर सकते हैं। अच्छा, एक गाना आया था मेरा, सोनिया का बच्चा अकल का कच्चा, तो लोगों ने बड़ा विवाद किया, कईयों ने मेरे पर केस किए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। आज हमारी खास शख्सियत है राखी मित्तल, जो कि चेयरमैन है हरियाणा की, पब्लिसिटी देखते हैं भाजपा की और साथ में पूरे भारत की भी भाजपा की पब्लिसिटी हरियाणा प्रदेश में देखते हैं। वो एक लोक गायक भी हैं जो अक्सर अपने गीतों की वजह से विवाद में रहते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार ओके मित्तल। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी हाल फिलहाल में आपने कोई गीत लिखा है या गाया है जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है, और गाने उसका रिलीज होने से पहले विवाद शुरू हो गया, क्या मामला है? देखो, अभी मेरा एक गाना आया था, सपनों में दिखता मोदी ना राहुल सोता है, और अभी मेरा गाना रहा नकली गांधी, और उसके अंदर मैंने ये दर्शाया है कि ये जो गंदी परिवार है ये गंदी परिवार नहीं है, ये सही परिवार है, और इसके अंदर जितने भी गंदी भले घूमते हैं सारे के सारे नकली है। आप देख लीजिए इनके दादाजी फिरोज खान थे, फिरोज खान से देख लीजिए, जो कोई खान से बेटा पैदा होता है ना तो वो खान ही होता है। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो उन्होंने हिंदू धर्म परिवर्तन किया होता तो उनकी कब्र गरा है, उनका दाह संस्कार नहीं किया, वो हिंदू बन भी जाते हैं, उनका दाह संस्कार किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी आज भी कब्र है। और वो खान थे और राजीव गांधी जी थे, या उनका बेटा राहुल गांधी है, ये गांधी नहीं खान है, नकली गांधी है, ये बंदी कहते हैं आपको, मैं कहता हूँ बंदी है लेकिन नकली गांधी। लेकिन ये क्यों ना माना जाए कि क्यों अपने गीत को लोकप्रिय करने के लिए आप इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही सीए एनपीआर और एनआरसी को लेकर पूरे जिसकी भी धर्म, जिसका कोई धर्म ही नहीं, धार्मिक भावना क्या भड़कानी। जो खान है मैंने अपने ना कि खान है, मैं हिंदू हूँ, तो मैंने अपने अपने पता है हिंदू हूँ, मुझे गर्व है हिंदू होने पर, तो आप पहले हिंदू है तो आपको बोलना चाहिए, कोई मुसलमान है तो उसको बोलना चाहिए कोई मुसलमान है, सिख को सिख, इसमें दिक्कत क्या है। वो परमात्मा ने जिस धर्म में हमको पैदा किया है उसको बोलने में क्या दिक्कत है। राहुल कहता है कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, राहुल से पूछ रहा जाता हूँ, कश्मीरी पंडितों पर इतने अत्याचार हुए, उनको घर से बेघर करते उनके राज के अंदर, आज तक यदि वो पंडित थे तो पंडितों की याद नहीं आई। नहीं, लोग कह रहे हैं, जो विपक्षी दल कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार है तो आप अपने विकास के कार्य कीजिए, आप क्यों धर्म जाति की राजनीति कर रहे हैं जब आप विकास के कार्य कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो, खाली एक आप कहते विकास कीजिए, विक्रम मोदी जी ने विकास किया, कोई नहीं कर सकता, उसके बाद क्या विकास के अड़ के अंदर अपना धर्म भूल जाए, क्या हिंदुओं को ईसाई बना दे, मुसलमान बना दे, अरे शर्म की बात है, यही तो बिना बना थी हम लोगों को। एक बताओ, पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो मुसलमानों को तो एक अलग देश चाहिए, अलग देश दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, फिर किसका देश रह गया, हिंदुओं का, सिखों का, तो उसके बाद भी फिर पंगे पड़ गए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये नकली, ये खान से एक फिर गांधी बन गए, फिर जिम्मेदारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और जितने भी मुस्लिम लॉ बोर्ड ये वो जितनी भी संस्थाएं बनाई कांग्रेस राज में बनाई, इन लोगों ने हमेशा हिंदुओं का सत्यानाश करने का टेक्का ले रखा है, हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश इन लोगों ने किया है। पहले हिंदू को हिंदू बोला जाता था, ये बोले दलित भी है, ये वो है, ये वो है, SC BC समाज को बांटा है। मैं अपने गीत पर आप हमेशा मान करते, मैं हमेशा एक बताऊ, एक लाइन लिखी है मैंने उसके अंदर, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कांग्रेस ने भुला दिए, मच्छर तक ना मारा नेहरू ने वो देशभक्त बना दिए। नेहरू खानदान के किसी व्यक्ति ने मच्छर तक नहीं मारा और वो देशभक्त है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह। अरे उनको कांग्रेस ने भुला दिया, वो कहते कि देश ही कांग्रेस ने आजाद कराया, इनके परिवार ने आजाद कराया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्वतंत्रता जब हमारे को मिली, देश स्वतंत्र हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ उनकी क्या कुर्बानी है, कभी इन्होंने डंडा भी चलाया, किसी अंग्रेज की खिलाफत करी, ये तो अंग्रेजों के उल्टा पिट्ठू थे। तो मैं आपसे एक तीखा सवाल करना चाहूंगा, क्या ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है या ये आपका एक निजी बयान है? मेरा निजी बयान है। मैं एक गाना आया था मेरा, सोनिया का बच्चा अकल का कच्चा, तो लोगों ने बड़ा विवाद किया, कईयों ने मेरे पर केस किए, मैंने उनसे एक ही बात बोली, सोनिया का बच्चा अकल का कच्चा संसद में खमारे,
देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आंख मारना क्या शोभा देता है? करते हैं और बचकानी हरकते कौन करते? बच्चे करते हैं। जब ऐसे ऐसे बच्चा लोग संसद में जाएंगे या विधानसभा में जाएंगे और ड्रामेबाजी करेंगे तो भाई मैं तो गीत बनाऊंगा। चलिए, तो बात हो गई आपके विवादित गीत के बारे में जो आजकल में आने वाला है, रिलीज होने वाला है। अक्सर ये देखा गया है कि आपका एक पत्रकार है, उसके साथ विवाद विवाद होता रहता है, वाद विवाद, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो पहले से प्री प्लान्ड होता है या वो पत्रकार तो आप भी है, आपसे भी सेटिंग है मेरी, हमने पता लग गया कि वहां बैठे हैं। मैंने सेटिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो प्री प्लान्ड होता है या वो नेचुरल? कौन से पत्रकार की बात कर रहे हो? नहीं, मैं क्यों नाम लूंगा, आप बताइए, आपको ज्यादा ऐसे मेरे कई पत्रकार दोस्त हैं, आज मैं समझ गया आपका इशारा, आप कर्म पत्रकार की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई प्री प्लान्ड नहीं है। मैं खुला बोलता हूँ, पूरे इंडिया के जितने भी मेरे पत्रकार भाई हैं, मेरे से कोई बहस कर सकता है, वो भी बहस करे। ये तो कोई भी, मान लो सेटिंग की बात करता है, एक बंदे ने मेरे को सेटिंग के लिए बोला चंडीगढ़ में, मैंने एक बात बोला, सेटिंग तो शादी से पहले मियां बीबी की भी कराई जाती है, लड़का लड़की भी कराई जाती है, साथ फेरे भी होते हैं, और फिर उनकी सेटिंग भी बिगड़ती है तो लोग तमाशा देखते हैं। हमारी दोस्ती एक अलग बात है, जब हमने सामने होते हैं ना मियां बीबी की तरह तो लोग तमाशा भी देखते हैं, जैसे लड़ाई घर में होती है ना, और जब तो चलता है ये, लेकिन ऐसी कोई सेटिंग नहीं है, और उल्टा मेरे से बचता है वो, मेरे आगे तो आता भी नहीं है, और जब भी आता है तो सारी दुनिया को पता है कि मैं कैसे बात करता हूँ। आपकी उम्र जैसा मुझे बताया गया है कि लगभग 50 के आसपास है, फिर भी आपकी फिटनेस का क्या राज है? आप इतने स्मार्ट हैं और फिर भी इतने मतलब भट्टे गड्ढे। देखो वो तो आप मेरी 60 भी कह सकते हो, तो क्या अलग बात है, बट जो मेरी क्लास में पढ़ते थे, कई बार मैं उनको देखता हूँ तो वो लगता है कि अरे अरे तुम तो बूढ़े हो। तो जिंदगी के अंदर एक बात बताता हूँ, एक तो खाने का जो स्वाद है ना, इसके ऊपर आपकी कंट्रोल होना चाहिए। कई बार स्वाद स्वाद में हम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। एक आपको पता होना चाहिए कि भर पेट कर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। आपको चार रोटी की भूख है तो तीन ही खानी चाहिए। उसके बाद मैं 4:30 बजे उठता हूँ। 4:30 बजे उठने के बाद मैं स्टीम लेता हूँ, कोरोना काल के अंदर स्टीम लेने के बाद फिर मैं गर्म पानी बैठता हूँ, वो भी उकड़ू बैठ कर। उकड़ू बैठ कर यदि आप पानी पीते हो 1 लीटर या 600 ml, तो आपका पेट भी साफ रहेगा और मोटापा भी नहीं आएगा। उसके बावजूद मैं 1 घंटा तक नेट अलोम विलोम कपाल भांति भद्री का ये सब चीजें करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि सारे का सारा सिस्टम एक बॉडी का सेट रहता है। तो उसके बावजूद मैं 1-1.5 घंटा घूम कर आता हूँ। यदि मैं वैष्णो देवी भी जाता हूँ तो 2.5-3 घंटे में पैदल चढ़ जाता हूँ, रास्ते में रुकता भी नहीं। और मैं हर एक इंसान को एक बात कहता हूँ, यदि आप सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी सोते हो, क्योंकि 9 बजे से लेकर और 3 बजे तक का, यानी कि 10 से 4 बजे तक का जो टाइम होता है सोने का, बहुत बेस्ट होता है। कई लोग रात को रात रात भर जागते रहते हैं और फिर लेट उठते हैं, तो मैं कहता हूँ यदि आप अपनी फिटनेस बनानी है तो सुबह जल्दी उठें, गर्म पानी पिएं, और कोरोना काल के अंदर आप यदि स्टीम लेते हो तो कोरोना की ऐसी तैसी आएगा भी नहीं। तो उसके बावजूद यदि आप घूम कर आते हो, योगा करते हो, तो मैं गारंटी करता हूँ आप 100 साल जिंदगी जियोगे, 70 साल तक तो आप जवान रहोगे, इस बात की मेरी गारंटी है, जैसे फिल्मों में हीरो लोग रहते हैं। आप भी अपने फिटनेस का ख्याल रखिए। यदि आपने एक आंकड़ा बना लिया कि 100 साल तक जिंदा रहना है, 100 साल तक जिंदा रहने का सबसे बढ़िया उपाय है आप योग कीजिए, तली हुई चीज़ों से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें, मीठा कम खाएं, एक रोस्टेड ज़्यादा खाएं और ज़्यादा आहार ना लें, जितनी बॉडी को जरूरत है इतने खाना खाएं। कई तो लोग ठूस ठूस के तैद जमा देते हैं, वो गलत है। फिटनेस यदि आपने बनानी है तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बाबा रामदेव जी कई बार कहते हैं कि यदि आपका 250 ग्राम बर्फी या जलेबी खाने का मन है तो सिर्फ एक पीस खाएं, उसी को चबाते रहे, स्वाद लेते रहे। आपने तो 15 मिनट स्वाद लेना है ना, तो आप एक ही चीज़ का भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने 250 ग्राम खानी है। ये आपका जिसका जीभ के ऊपर कंट्रोल है ना, और जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं, उनको फिटनेस से कोई भी नहीं रोक सकता, और अच्छी फिटनेस रहेगी। हरियाणवी कलाकार धर्मीली के साथ कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं, नाथीराम धर्मली की मेरी एक शुरुआत थी, उस टाइम मैं बहुत बच्चा था, छोटी सी उम्र थी मेरी, 17 साल की उम्र थी जब मैंने उस लाइन में आया। तो उस टाइम मैंने हरियाणवी लाइन के अंदर झंडे गाड़े, और हरियाणा की जो डीजे लाइन थी, एक देसी होस्टल कैसेट आई थी, एक जाट बे काबू हो गया, उनसे शुरुआत की। उससे पहले घड़ा बेंजू बजता था, उसके बाद मैंने पंजाबी काम किया, हिमाचली किया, हिंदी किया, बॉम्बे भी किया, और 2012 के अंदर मेरा गीत आया था, पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी। उसके बाद लगातार जब तक मोदी जी पीएम नहीं बने, 30-32 गाने आए और वो पीएम बने मोदी जी, तो एडवांस में मैंने गाना बना दिया था। उसके बाद हरियाणा में सरकार आई, तो फिर मैं इसलिए फिर मैं
राजनीति में आ गए। हाँ सर, आपने बात की गीतों की, तो अक्सर आपके गीत विवादों में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता या सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने का फायदा उठाते हैं कि बच जाओ? नहीं 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 नहीं, सत्ताधारी पार्टी से पहले कांग्रेस का राज था, ऊपर नीचे हुड्डा साहब थे। उस टाइम भी मैंने गाने गाया था, लूट लिया देश सोनिया ताई ने, आई मोदी गांधी टेंशन में सोनिया गांधी, कमल का बटन दबा, सारे गीत उनके टाइम में आए थे। मेरे को डर डर लगता है, मैं सच्चाई पे गीत बनाता हूँ, चाहे कोई भी गीत ले लीजिए मेरा, हर गीत सच्चाई पे है, क्योंकि देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है वो ये जो नकली गांधी है, इन्होंने निभाई है, इस खान परिवार ने निभाई है। और हमेशा हिंदुओं का जो शोषण किया है वो दिन याद करो, कभी बॉम्बे ब्लास्ट, कभी चेन्नई ब्लास्ट, कभी कलकत्ता ब्लास्ट, कभी दिल्ली ब्लास्ट, और ट्रेनों के अंदर जगह जगह लिखा होता था इस चीज को छूना मत, ये बम हो सकती है। अब कहीं लिखाता है? कहीं भी नहीं लिखाता, क्योंकि कांग्रेस पाकिस्तान जैसे टूचे से देश से भी डरते थे वो लोग। और आज मोदी जी के राज में चाइना की भी हिम्मत नहीं है, मोदी जी उनके साथ भी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और चाइना की भी हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठा के देखे। सर, सोशल मीडिया का जमाना है, जब भी आपके नए गीत आते हैं तो उन पर कमेंट जो है वो अक्सर आपके खिलाफ ही आते हैं, तो क्यों नहीं आपके पक्ष में टिप्पणियां आती? भाई 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 भाई, नहीं, आप मेरा देखो, मेरा कोई गाना निकालो, कमेंट मेरे देखो, कोई जड़ा भूना व्यक्ति, कोई मान ले कांग्रेसी तत्व, क्या हो गया 1% 2% में तो उल्टा लिखेगा ही। अब जिसका मैं बैंड में जाऊंगा वो तो मुझे आशीर्वाद देगा नहीं, वो तो खीर खिलाएगा नहीं, वरना 99% मेरे पक्ष में बयान आते हैं। अब मेरा नकली गांधी आ रहा है, उसके ऊपर देख लेना कि कैसे बयान आते हैं। बापू के नाम पे जो इन्होंने लूट मचाई, जो ठगी की, और जो देश को लूटा बांटा, देश के टुकड़े करने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। देश के कश्मीर का अंदर जो आज तक ये पंगा था, धारा 370 लगाने वाला कौन था? गांधी था। आज तक राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं दिया? गांधी। सब तो इन लोगों ने किया है, और ये नकली लोग थे, और नकली लोगों का मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ कि असली गांधी नहीं, नकली गांधी, उसी के ऊपर मेरा गाना है। और पूरा गाना सुनने के बाद आपको खूब पता लग जाएगा मैं रोंग नहीं, रोंग गांधी फैमिली है, नकली गांधी। किसान परेशान है, 26 नवंबर को दिल्ली कूच कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों का जिस तरह से बड़ी संख्या में पलायन हुआ दिल्ली से बिहार की तरफ, वो भी परेशान है। दूसरी तरफ बेरोजगारी को लेकर आंकड़े आते थे जो पहले NSSO जारी करता था, वो भी नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, कोई अरे, 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 आपने बोला प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर नाराज होते थे बिहार में हमारी सरकार क्यों आती, और हमारी सीटें पहले से डबल, बीजेपी का तो डंका बजा। और रही किसानों की बात, किसानों का आंदोलन, जो समझदार किसान है उसको ये पता है मोदी जी जब कोई फैसला करते हैं तो लंबा सोच के करते हैं, लॉन्ग टाइम तक का सोच के करते हैं। ये कांग्रेस के कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, उनके पास कोई रागल अपने में कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, कोई अत्याचार का मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा तो है नहीं है। वो इसलिए इस चीज को भुलाना चाहते हैं, किसानों के ऊपर कंधे पे रखे, जिसे कहते हैं ना दूसरे कंधे पे रखे गोली चलानी, वो काम इनका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो अच्छा किसान है, समझदार किसान है, वो तो इन पछड़ों पड़ ही नहीं रहा। अब सबसे ज्यादा विरोध कहाँ है? पंजाब में, क्योंकि वहाँ कांग्रेस है। हरियाणा में वहां तो टोल भी तक बंद है, हरियाणा में कोई टोल बंद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बताओ कहाँ पे है? ये एक कांग्रेस की एक शरारत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लॉस होने वाली बात है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा दाम दिए जाते हैं फसलों के, इससे ज्यादा बेटर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। बात की आपने चुनावों की, बड़ौदा चुनाव बीजेपी क्यों हारी, नाराज है क्या सर जनता अभी? नहीं, जनता कोई नाराज नहीं है। जो हुड्डा ने वहां पे विकास की तो कोई बात की नहीं, और जात पात में उतर गया, और जात पात का कार्ड खेला उसने, एक ही बात बोली कि भाई यहाँ पे कांग्रेस लड़ रही, समाज लड़ रहा है। ये कांग्रेस की हमेशा एक रणनीति रही है जात पात की, और जात पात फैलाने में ये सबसे आगे रहते हैं। आने वाले टाइम में जनता इनको जवाब देगी। जात पात की राजनीति कुछ क्षेत्रों में चल सकती है, पूरे हरियाणा में 10% लोगों में भी ये नहीं चल सकती। 5-10 सीटों पे तो ये चला सकते हैं, बाकी 90 सीटों के अंदर कभी भी नहीं चला सकते। 80 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पे जात पात के कुछ भी करते रहे तो भी कुछ भी चलने वाले, अच्छी राजनीति करते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जात पात की राजनीति करते हैं, एक समाज की राजनीति करते हैं, जबकि राजनीति बीजेपी हमेशा छत्ती जात की करती है, छत्ती बिरादरी करती है, हर धर्म की करती है। रणदीप सिंह सुरजेवाले का कद लगातार कांग्रेस में राष्ट्रीय समिति में बढ़ता ही जा रहा है, और साथ में अंदर ही अंदर ये बातें चलने लगी हैं राजनीतिक गलियारों में कि अगले मुख्यमंत्री यदि कांग्रेस की सरकार आई तो सुरजेवाला ही बनेंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सुरजेवाला जी जब विधायक बनेंगे तभी तो सीएम बनेंगे। पहले जींद हारे, फिर कैथल हारे, वो हार पे हार कर हार रहे जा रहे हैं, और यदि उनकी हैट्रिक बनेगी तो कैसे बनेगी? जनता ने नकार दिया। अरे
कांग्रेस के अंदर तो जितने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में घमासान बचा हुआ है, अब उनके पास कोई लीडर नहीं है तो उन्होंने इसको पकड़ लिया। अब जो ये देखो दो दो बार का हारा हुआ लीडर, यदि आपको लगता है कि बहुत बड़ा लीडर है तो फिर इसका मतलब कांग्रेस डूब रही है, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं, उनके जहाज में बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। जब किसी जहाज के अंदर सुराख हो जाता है ना, सबसे पहले चूहे कूदते हैं, जो उनके वो थे ना दूसरे लोग, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, जो उनके खिलाफ ही बोले जा रहे हैं। यानी कि गुलाम नबी आजाद के बारे में सवाल पूछना चाहूंगा, हाल ही में उनका कोई बयान आया था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो कांग्रेस के खिलाफ आया था। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक गैंग है, और गैंग में वही लोग रहते हैं जिनको फायदा होता है। अब जब तक लोगों को फायदा दिखता है कांग्रेस से, वो कांग्रेस में है, जब लगता है कि इसमें तो कोई फायदा नहीं है तो भाग रहे, क्योंकि गैंग में ऐसा ही होता है। अब कांग्रेस एक पार्टी न रहकर एक गैंग बन चुकी है, और गैंग में ऐसा ही होता है जो कन्हैया लाल जैसे देशद्रोही नारे लगाने वाले को टुकड़े टुकड़े करने वालों का जो राहुल गांधी समर्थन करता है, राहुल नकली गांधी समर्थन करता है, तो आप जजमेंट कर सकते हो देश के प्रति कितना सजग है वो। ऐसे से जो देशद्रोही का साथ देता है, मैं कहता हूँ खुद भी देशद्रोही है। तो ये थे हमारे साथ राकी मित्तल, जिन्होंने कहा कि जो उनका आने वाला गाना है, जो भी वो बोल रहे थे, जो विवादित गाना अक्सर उसके रिलीज़ होने से पहले विवाद हो गया था, वो उस पर कायम है। अब देखना ये होगा कि जनता उस विवादित गाने को पसंद करती है या पूरी तरह से उसे नकारती है। हालांकि हम इनके जो कमेंट्स हैं जो कहे गए हैं गांधी फैमिली को लेकर या किसी भी पार्टी या शख्स को, उसका समर्थन तो नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक निष्पक्ष सोशल मीडिया चैनल हैं। हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। ये थी खास पेशकश कैथल ब्रेकिंग टीवी की, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।